बागमारा कॉलेज में सेमेस्टर वन तथा सेमेस्टर थ्री में परीक्षा फॉर्म से भरने से वंचित छात्र छात्राओं को कोरोना पॉजिटिव प्रमाण लाने का दिया जा रहा है निर्देश। फॉर्म भरने देने की स्थिति में खुद की जवाबदेही का लिया जा रहा है आवेदन। विश्वविद्यालय के लिखित आदेश नहीं, मौखिक आदेश को मान रही है कॉलेज प्रबंधन। कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं प्रिंसिपल। धनबाद का बागमारा कॉलेज बागमारा लिखित नहीं, मौखिक निर्देश को मान रही है। छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। बागमारा कॉलेज बागमारा हर बार की तरह इस बार भी विवादों में है। शुक्रवार को सेमेस्टर वन तथा थ्री के परीक्षा देने से वंचित छात्र छात्राएं अपना फॉर्म भरने के लिए कॉलेज पहुंचे थे, लेकिन फॉर्म नहीं भरने दिया गया। दरअसल विश्वविद्यालय ने वंचित छात्रों को दोबारा मौका दिया है, इसके लिए एक पत्र जारी किया गया है जिसमें विश्वविद्यालय ने कॉलेज को निर्देश लिखित में दिया है कि जो छात्र छात्राएं कोविड के प्रभाव के कारण परीक्षा से वंचित रह गए वे लोग लेट फाइन के साथ अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कॉलेज प्रबंधन उस नोटिस का अलग अर्थ निकाल छात्र छात्राओं तथा अभिभावकों को बता रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव होने का प्रमाण डॉक्टर से लेकर आएं, उस प्रमाण को फॉर्म के साथ संलग्न करें। जब इस बात पर कॉलेज पहुंचे छात्र छात्राओं तथा उनके अभिभावकों द्वारा प्रिंसिपल अशोक कुमार साहू से पूछने पहुंचे तो साइकोलॉजी प्रोफेसर अजय सिंह अभिभावकों को खरी खोटी सुनाते हुए कोरोना पॉजिटिव प्रमाण डॉक्टर से लाने को कहा गया। घंटों इस बात पर बहस होते रहा, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन द्वारा अभिभावकों तथा छात्रों को कहा गया कि एक आवेदन दे लिखकर कि अगर परीक्षा परिचय पत्र अगर नहीं आता है तो इसका जवाबदेही छात्रों की खुद की होगी। अभिभावकों द्वारा किए गए शोर शराबा के बावजूद प्राचार्य की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती देख अभिभावक नवीन महतो, विरंचित सिंह, अनिल यादव सहित अन्य ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के खातिर आवेदन देकर फॉर्म जमा कराने का काम किए। अभिभावकों ने कहा कि कॉलेज का प्राचार्य कठपुतली की भांति कार्य कर रहा है, जिस कारण यहां अध्ययनरत बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता प्रतीत हो रहा है। वहीं कुछ छात्रों का परीक्षा फॉर्म बिना किसी आवेदन कोरोना रिपोर्ट के जमा लिया गया। कॉलेज सेमेस्टर वन के छात्र गोपाल पासवान ने बताया कि वो परीक्षा फॉर्म जमा करने पहुंचा था। परीक्षा फॉर्म जमा करने के कोरोना पॉजिटिव का सर्टिफिकेट लाने को कहा गया। बाद में कॉलेज प्रबंधन ने कहा एक आवेदन लिखकर दे कि अगर परीक्षा एडमिट कार्ड नहीं आता है तो इसके जवाबदेही कॉलेज नहीं वो खुद होगा। तो फॉर्म भरने के लिए आया था सर, तो यहाँ पे आके पता चला कि नोटिस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि फॉर्म भरना है कि COVID-19 से जो आपको हुआ है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था सर। और यहाँ का जो हम लोग आए कॉलेज आए हैं तो यहाँ पे पता चला है कि आप अगर कोविड से पॉजिटिव है तब जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जमा शुरू में जमा नहीं ले रहा था सर, तो सर बोले कि अपना एप्लीकेशन में लिखिए कि अगर आप कोविड से पॉजिटिव है उसके आधार पर आप एडमिट कार्ड लिख के दीजिए, और अगर एडमिट कार्ड नहीं आता है तो उसका जिम्मेवारी आप स्वयं खुद होंगे सर। वहीं पूरे मामले में कॉलेज प्रिंसिपल सुनील कुमार साहू ने कहा कि विश्वविद्यालय के नोटिस में कोरोना पॉजिटिव होने की बात नहीं कही गई है, लेकिन मौखिक आदेश यही दिया जा रहा है। जब ये पूछा गया कि लिखित आदेश को कॉलेज मानती है या मौखिक, तो चुप्पी साध लिया गया। कोविड-19 के कारण प्रभाव के कारण लिखित में मिला हमको, और हमको भरवाली वहाँ परीक्षा नियंत्रण बोले कि नहीं उसका सर्टिफिकेट ले लीजिए, जो पीड़ित है हम बीच का विद्यार्थी के बीच का रास्ता अपना है, इसलिए कि सबका भलाई भी हो जाए। उसमें कोविड-19 का क्लियर नहीं ना, और क्लियर नहीं था प्रभावित होने के कारण, और वहां बोले कि नहीं कि कोई जो पीड़ित है उसे सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। क्या पीड़ित है? कोविड-19 में कुछ कोई किसी कोरोना मतलब वो कोरोना पॉजिटिव हो वैसा सर्टिफिकेट चाहिए। क्या सर्टिफिकेट चाहिए उससे? क्या जो सर्टिफिकेट मैंने कोरोना में हुआ है उसका लगाने बोले है, या बीमार पड़ गया उसके लगाने बोले? और अगर वो कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ तो उसके लिए
उसके लिए क्या लाना है? यहाँ तो लिखा लिखित में भी हमको मिला, उसमें भी हम लिखित में तो मिला है। कोरोना परीक्षा नियंत्रण से पूछे तो बोला कोई सर्टिफिकेट हमको लगाना पड़ेगा उसमें। कौन सा सर्टिफिकेट? मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो कुछ लगाना पड़ेगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या लगाना है? वो पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, क्या लगाना है? कोई कुछ कारण से लगाना पड़ेगा कि हम नहीं दे पाए। क्या कॉलेज से लिखित आदेश को मानते कि मौखिक? लिखित, देखिए लिखित में तो क्लियर, मैंने क्लियर भी हमने कैसे तो उसको भेद में लिखा है, तब तो हमको फोन करना पड़ा ना। कॉलेज लिखित आदेश को मानते कि मौखिक? वो तो लिखित में है कि भेद भी, भेद में भी डाल दे थोड़ा। कुछ लोगों को लेटर के साथ लिया गया सर, कारण क्या है? कारण क्या है ये तो हमको अभी अभी मालूम है नहीं। हमको बोले एप्लीकेशन ले करके सबको लिखना है, लेना है एडमिशन। अब कुछ लोगों को बिना बिना एप्लीकेशन के लिया है, क्या करेंगे? उसको बुलाया जाएगा। और उन स्टूडेंटों को क्या होगा जो जमा करके चल गए? उसको बुलाया जाएगा विद्यार्थी को, दिक्कत हो जाएगा फिर। हमको मत बुलाओ, लिख के दे दो, लिख पाई हो वो ले लिया। अब जब बोला कि एप्लीकेशन लिख करके लेके लेना, अब बिना एप्लीकेशन के लिख लिया।